एक बड़ी खबर है। आनंद पाल की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। राजू ठेहट हत्याकांड योजना में अहम भूमिका बताई जा रही है। चीनू की कोर्ट से जल्द स्टैंडिंग वारंट जारी करवाने की तैयारी कर रही है सीकर पुलिस। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद से ही दुबई में बताई जा रही है चीनू। राजू ठेहट हत्याकांड में सीकर पुलिस को करनी है चीनू से पूछताछ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आनंद पाल की बेटी चरणजीत सिंह चीनू पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल, राजू ठेहट जो कि आनंद पाल का धुर विरोधी था, आपसी दोनों में बड़ी एक कला थी और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ 2017 में और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई कि कैसे भी बदला लिया जाए राजू ठेहट से। और दिसंबर के अंदर पिछले साल उसकी हत्या की गई, बहुत प्लानिंग के साथ में की गई। अब इस पूरे जो प्रकरण में जो जांच पड़ताल हुई है स्थानीय पुलिस द्वारा, उसमें ये सामने आया है कि इसके अंदर जो मुख्य सूत्रधार है यानी कि जो प्लानिंग करता है वो आनंद पाल की जो बड़ी बेटी है चरणजीत सिंह उस चीनू, उसकी भूमिका अभी तक सामने आई है। तो उससे पूछताछ करनी है, उसके लिए पूरे एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होगा। तो राजस्थान पुलिस एक्ट 37 के तहत पहले एक समन जारी होगा, उसके तहत वो जो प्रोसीजर है उसकी शुरुआत कर दी गई है। पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोशिश ये की जाए कि चीनू को लेकर स्टैंडिंग वारंट जो है वो इशू कराया जाए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी में सामने आया है कि 2017 में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से चीनू दुबई शिफ्ट हो चुकी है, दुबई से ही पूरी ये प्लानिंग की गई है। ऐसे में जरूरी ये हो जाएगा कि स्टैंडिंग वारंट इशू किया जाए और फिर आगे के प्रोसीजर को अपनाया जाए, क्योंकि एक इंटरोगेशन करना होगा राजस्थान पुलिस को पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के लिए। तो उसकी तैयारी जो है वो सीकर की स्थानीय पुलिस की तरफ से कर दी गई है। जैसे ही कोर्ट से परमिशन मिलेगी, अभी इसकी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है, जैसे ही पुलिस को परमिशन मिलेगी कि आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी और आगे का जो अनुसंधान है वो किया जाए। तो फिलहाल जो है आनंद पाल की बेटी दुबई में बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल, अभी जो तमाम सूत्र बताते हैं वो ये कि 2017 में जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ही चीनू दुबई शिफ्ट हो गई और दुबई से ही पूरी पूरी ये जो प्लानिंग है कि कैसे बदला लिया जाए, बदले की जो प्लानिंग है तब से ही शुरू हो गई थी। और जिस तयबद्ध तरीके से राजू ठेहट की हत्या की गई है उसमें नाम आया है चीनू का सामने निकल के मुख्य सूत्रधार, मुख्य प्लानिंग में उसका नाम है। तो इसकी पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को, राजस्थान पुलिस को उसको स्टैंडिंग वारंट इशू करा के उससे पूछताछ करनी होगी। अब क्योंकि दुबई तक उन्हें पहुंचना होगा, अलग अलग कोई भी स्टैंडिंग वारंट इशू होने के बाद में कोई भी जो पुलिस होती है वो एक्शन ले सकती है। तो इस प्रोसेस से राजस्थान पुलिस को गुजरना होगा और उसके बाद में आगे की जो पूछताछ है इंटरोगेट की उसको करना होगा, वो होती हुई दिखाई देगी। कैसे वो इंडिया आएगी, राजस्थान पुलिस क्या दुबई जाएगी, वो दुबई में इस वक्त है या नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर अनुसंधान किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आशुतोष इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आनंद पाल की बेटी चीनू को दुबई में होने की संभावना जताई जा रही है और उसको राजू ठेठ हत्याकांड में उसमें पूछताछ करना चाहती है सीकर पुलिस।